दुनिया में ऐसे कई सारे इवेंट्स होते हैं जिनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है और जिनका लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। एंटरटेनमेंट की दुनिया में होने वाले सबसे बड़े और प्रेस्टीजियस इवेंट्स में कांस फिल्म फेस्टिवल शामिल है। इस इवेंट के रेड कार्पेट पर ऐश्वर्या राय को कई बार देखा गया है और पिछले कुछ सालों से उनकी बेटी आराध्या बच्चन भी उनके साथ इस इवेंट में प्रेजेंट होती है। इस साल के अपने अपीयरेंस के लिए ऐश्वर्या और उनकी लाडली बिल्कुल तैयार है और उन्हें कुछ घंटों पहले ही कांस के लिए रवाना होते हुए देखा गया है। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं मुंबई एयरपोर्ट का है, जहां देर रात ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी बेटी आराध्या के साथ नजर आ रही हैं। पीछे 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 एंटरटेनमेंट की दुनिया में कुछ न कुछ चलता ही रहता है जो कि सुर्खियों में रहता है। इन दिनों कांस फिल्म फेस्टिवल को लेकर खबरें तेज हैं। इस साल के कांस फिल्म फेस्टिवल में कई सारे बॉलीवुड सितारे डेब्यू करने जा रहे हैं, जिनको लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं। डेब्यू करने वाले कुछ बॉलीवुड सितारों ने कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 के रेड कार्पेट पर अपना जादू दिखाते हुए फैंस का दिल भी जीत लिया है। इसमें ईशा गुप्ता, सारा अली खान और मानुषी छिल्लर का लुक सामने आया है, जो कि अपने शानदार स्टाइल से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाती हुई नजर आ रही हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में जहां बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता बेहद बोल्ड अवतार में नजर आई, वहीं इसके उलट बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान देसी अवतार में नजर आई। इस दौरान सारा अली खान ने कांस के रेड कार्पेट पर हैंड एम्ब्रॉयडर्ड मल्टी पैनल लहंगा पहना था, जिसे जाने माने फैशन डिजाइनर्स अबू जानी और संदीप खोसला ने डिजाइन किया। बेहद बोल्ड और सेंसेशनल फैशन के लिए जाने जाने वाली ईशा गुप्ता कांस फिल्म फेस्टिवल में पिंक कलर के थाई हाई स्लिट गाउन में बेशक काफी खूबसूरत लग रही थी। इस साल कई सारी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस कांस में अपना डेब्यू करने जा रही हैं, जिनमें से एक मानुषी छिल्लर भी रही। मानुषी का रेड कार्पेट लुक वायरल हो गया है, जिसमें वो व्हाइट गाउन पहने नजर आ रही हैं और बिल्कुल एक परी जैसी लग रही हैं। अब इन तीनों एक्ट्रेसेस में से आपका सबसे फेवरेट लुक किसका है, हमें कमेंट करके जरूर बताना। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने अपनी दीदी प्रियंका चोपड़ा जोनस से कहा है कि वो अपनी ब्राइड्समेड्स ड्यूटी के लिए तैयार रहें। एक्ट्रेस की ये पोस्ट उनकी जल्द शादी होने का संकेत है। परिणीति ने अपनी बहन प्रियंका की एक पोस्ट पर कमेंट किया। परिणीति प्रियंका को प्यार से मिमी दीदी कहकर बुलाती हैं। प्रियंका ने आप नेता राघव चड्ढा के साथ परिणीति की सगाई की कुछ अनदेखी तस्वीरें फैंस के लिए एज अ ट्रीट शेयर की थी, जिस पर प्रियंका ने लिखा था, बधाई हो तिशा और राघव, मैं शादी का इंतजार नहीं कर सकती, आप दोनों और परिवार के लिए बहुत खुश हूँ, परिवार के साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा। इस पर रिएक्ट करते हुए परिणीति ने जवाब दिया था, मिमी दीदी ब्राइड्समेड्स ड्यूटी आ रही है। परिणीति और राघव ने 13 मई को नई दिल्ली में सगाई की थी और अब उनके इस रिएक्शन के बाद फैंस को ऐसा लगता है कि परिणीति और राघव चड्ढा की शादी इसी साल हो रही है। वैसे आपको बता दें कि खबरों में ऐसा बताया गया है कि दोनों अक्टूबर में शादी कर सकते हैं, लेकिन इस पर अभी भी कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आई है। इसी में आपको ये भी बता दें कि परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा के एंगेजमेंट पार्टी में बहुत सारे सेलेब्स आए थे और इसी के साथ बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने भी इस एंगेजमेंट सेरेमनी में शिरकत की थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ छोटी छोटी खुशियां बांटने और सेलिब्रेशंस का कोई मौका हाथ से निकलने नहीं देती। अब विकी कौशल के बर्थडे के मौके पर कैटरीना कैफ ने प्राइवेट सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। आपको बता दें कि कल बॉलीवुड एक्टर विकी कौशल का बर्थडे था। कैटरीना कैफ ने अपने सेलिब्रेशन की कुछ यादगार झलकियां सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर करते हुए उन्हें बर्थडे विश किया है। कैटरीना ने अपने सेलिब्रेशन से दो फोटोज ड्रॉप की है। पहली तस्वीर
में कपल डांस करता हुआ पूरी तरह से एक दूसरे में खोया दिखाई दे रहा है। सामने आई दोनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे विकी ने कैटरीना को अपनी बाहों में बेहद कोजी अंदाज से पकड़ रखा है। इंटरनेट पर दोनों की ये तस्वीरें काफी तेजी से वायरल हो रही हैं। इसके साथ ही कॉमेंट सेक्शन में फैंस विकी को बर्थडे विश कर रहे हैं, साथ ही कपिल की बॉन्डिंग के भी मुरीद हो गए हैं। कैटरीना कैफ ने तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, थोड़ा सा डांस, ढेर सारा प्यार, हैप्पी बर्थडे माय लव। बता दें कि विकी कौशल और कैटरीना कैफ की जोड़ी फैंस को बहुत पसंद है। ऐसे में ये कपिल भी अपने हर सेलिब्रेशन और छोटी बड़ी खुशियों की तस्वीरें सोशल मीडिया के जरिए फैंस के साथ शेयर करता रहता है और उन्हें खुश कर देता है। बाय द वे, आपको विकी कौशल के बर्थडे सेलिब्रेशन की ये रोमांटिक तस्वीरें कैसी लगी, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना।